मैं सोच रहा हूँ दो छंद अपने मिजाज के विपरीत पढ़ दूँ, जिसमें आप सरल नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जब परचून की दुकान खोली, ग्रोसरी स्टोर जिसमें घर का छोटा मोटा सामान मिलता हो जी, पहले ही दिन एक महिला माचिस खरीद के ले गई। बरसात के मौसम में माचिस थोड़ी सीली थी, वो जली नहीं, वापस करने आई। मैंने एक तीली निकाली और उसको थोड़ी देर तक अपनी दाढ़ी के ऊपर रगड़ा, माचिस सूख गई और मैंने जला के दिखाया, बोला माचिस बहन जी बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। लेकिन महिला बिगड़ गई, बोली अब मैं माचिस से बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, माचिस क्यों नहीं ले जाओगे जब जल रही है। तो उसने जो तर्क दिया वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली, तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने, और इसको जलाने है तो घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। क्या बात है, अक्सर पत पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी, कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है, मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूँ, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूँ और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला दोष वाला है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है, दोनों में गुण दोष सब बराबर है। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल, थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी, वो अनुपात बराबर हो जाता है, अनुपात बराबर हो जाए। तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरे रे, चोर चोर भाई मौसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर जी। कि मैं झगड़ा लू ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है, और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है, दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो सुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो सुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है, एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को हमारे सिवा, बोलो चुनोगे किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। मुसीबत होती है कवियों की, और खासकर हास्य कवियों की, जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी आपको तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं दो मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे। मैंने दया की, पढ़ ले भाई, मैंने कहा दो ही मिनट रहेगा ना। हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता सा।
मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था। आधा हाथ में आ गया, फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फट गया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया, कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो सारी वाली बात है जो मैं आपके हंसने के लिए जिंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पे, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था, ये तो क्या लगते हैं, वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था, मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ और कुछ देखने को मिले। गौर से देखा, दिखा साहब उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे, एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला, ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा के बता में सुना देना चाहिए, आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक जमाने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था, तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं, तो बोला बैठ के देखो। मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा, तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा। तो गार्ड बोला, बहुत तेज मत दौड़ना वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफर किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आपके सामान से कम है। भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया खुद बैठ गया, दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था, लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा, हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा।
वाह, आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे, हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था, मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जाए बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है।